के चित्र में ब्रह्मा बाबा के ओर से परम स्थान करके एक परम स्थान करके एक रोशनी देती है, इसका मतलब क्या है? चीटी के चित्र में ब्रह्मा बाबा जी नीचे बैठे ब्रह्मा बाबा की ओर से ऊपर परम स्थान करके एक शक्ति देते हैं, इसका मतलब क्या है? रोशनी का क्या कहना चाहती माता जी? सीढ़ी के चित्र में लाइट दिखाई हुई है, हाँ लकीर दिखाई, हाँ का मतलब क्या है? किराए पे मकान लिया हुआ है ना, तो लाइट देंगे ना? लाइट नहीं देंगे तो मुरली कैसे चलेगी? ब्रह्मा के द्वारा मुरली चली ना, हाँ तो लाइट दी। ज्ञान की लाइट बगैर मुरली कैसे चलेगी? उसको ज्ञान मुरली कहेंगे, ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। क्या? हाँ, ज्ञान अमृत तब कहेंगे जब सागर मंथन हो। विचार सागर मंथन का बहुत नाम वाला है, तब ज्ञान मुरली चली है। उसको ज्ञान अमृत कहेंगे। और मनसा सेवा कैसे करना है? मनसा सेवा, मनसा को मजबूत बनाना है, ऐसा मजबूत बनाना है जो मनसा इधर उधर नहीं भागे। अगर मनसा इधर उधर भागती रहती है तो मनसा सेवा नहीं होगी। मनसा अगर एकाग्र हो जाए तो सर्विस का सफलता न निकले ये हो नहीं सकता। कोई संकल्प में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जो संकल्प टिका है, जिसकी सेवा करने का, वो ही संकल्प में टिके रहे, एकाग्रता से सिद्धि होगी। और जब तक मनसा एकाग्र नहीं बनी है तब तक तन से भागदौड़ की सेवा करें, वाचा से सेवा करें, धन से सेवा करें, तो जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा। तन और धन की ताकत जहां लगावेंगे तो मन ऑटोमेटिक एकाग्र हो जाएगा, फिर मनसा सेवा भी होगी। और बाबा कहते हैं मेरे साथ रहने वाले बच्चे भी मुझे यथार्थ ही नहीं पहचानते हैं, ये किस आधार पर कहते हैं? कैसे पता चलेगा कि हमने बाबा को पूरी रीति पहचाना है? जो पूरी रीति पहचानेंगे वो बाबा को छोड़ करके भागेंगे क्या? है नहीं भागेंगे। जो छोड़ करके भाग जाते हैं इससे साबित होता है कि उन्होंने पूरी रीति नहीं पहचाना है।
बाबा का वाइब्रेशन कैसे आवेगा? जितना जितना तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्कियों से और संबंधियों के द्वारा हम बाबा के नजदीक पहुंचेंगे, सारी शक्तियां बाबा में तिरोहित करेंगे तो बाबा के ही वाइब्रेशन आवेंगे। बाबा के वाइब्रेशन आएंगे तो खुशी ही खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। माया इंटरफियर नहीं करेगी, माया हिलाए नहीं सकेगी। और भक्ति मार्ग के एक चित्त में शंकर को पार्वती, शंकर को भिक्षा देते हैं। पार्वती भिक्षा नहीं देती है, अन्नपूर्णा भिक्षा देती है। अन्नपूर्णा देवी शंकर को भिक्षा देती है। अन्न की पूर्ति कौन करता है? है अन्न कहाँ से आता है? अरे है अन्न कहाँ से आता? अन्न माने अनाज, खाने का अनाज है ना, चावल है, गेहूं है, दाल है, ये कहाँ से आता है? धरणी से आता है ना, तो धरणी का पार्ट किसका है? है जगदम्बा का पार्ट है, तो जगदम्बा ही अन्नपूर्ण है। क्या वो जगदम्बा जो अन्नपूर्ण है वो भिक्षा देती है? किसको? शंकर को भिक्षा देती है। अब ज्ञान मार्ग में अन्न किसको कहा जाता है, अनाज किसको कहा जाता है, भोजन किसको कहा जाता है जिससे अनाज बनता है? हैं? ज्ञान, हाँ याद, याद जो है वो भोजन है। ज्ञान से, ज्ञान जल से भोजन पैदा होता है। जितना धरणी में पानी लगाएंगे ना तो अनाज की पैदाइश जरूर होगी। तो अनाज कौन सा हुआ? ज्ञान कहाँ अनाज हुआ? ज्ञान तो पानी हुआ। पानी में ताकत नहीं होती है, ताकत किस में होती है? याद में ताकत होती है। तो याद हो गया अन्न, अनाज जो धरणी देती है। तो जगदम्बा शंकर को क्या देती है? है योग की शक्ति देती है। माना जब तक जगदम्बा सरेंडर न हो तब तक शंकर को ईश्वरीय सेवा में सफलता मिल नहीं सकती। कब मिलती है सफलता? है जब जगदम्बा सरेंडर होती है तो ढेर की ढेर कन्याएं निकल पड़ती हैं, ढेर की ढेर धरणियां निकल पड़ती हैं। योग की ताकत बढ़ती है या घटती है? और ही बढ़ जाती है। योग किसे कहा जाता है? स्नेह को ही योग कहा जाता है। क्या तन का भी स्नेह होता है, मन का भी स्नेह होता है और धन का भी स्नेह होता है। जहां स्नेह होता है वहां तन, मन, धन, समय, संपर्क
संबंधी साफ स्वाहा किए जाते हैं। तो पहले पहले किसने स्वाहा किया है? जगदम्बा ने स्वाहा किया। मना इसलिए का अन्न दिया, अनाज दिया, भोजन दिया, उसे योग का भोजन कहेंगे। और लक्ष्मी नारायण जी चित्र में आये दिखाया है, है? आये दिखाया है, उसका अर्थ क्या है? क्या लिखा है? लक्ष्मी नारायण चित्र में आये, हाँ दिखाया है, क्या लिखा है? आये पाये पायस पाये पाये दिखाया है। पायल क्या होता है? पायल 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 दिखाया है, माने चाल अच्छी है। ये गुण रत्नों का गहना है। गहना कैसे दिखाएं? जिनकी चाल अच्छी होती है उनको गहना दिखाया हुआ है, अच्छी चाल है, चलन अच्छी है, तो पायल दिखाई हुई है। और सत्य त्रेदा में स्थूल रात्रि क्या? सत्य सत्य त्रेदा स्थूल रात्रि नहीं बताए क्या? स्थूल रात्रि 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 माँ चंद्रमा होता है, चंद्रमा होता है या पृथ्वी के साथ मिक्स हो जाता है? हाँ। तो राकेश ही नहीं है, रा का पति ही नहीं है। रा का माने रात, पति माने चंद्रमा, तो रात कैसे होगी? वहां सूर्य ही सूर्य है, रोशनी ही रोशनी है, है? हाँ, सदा रोशनी है। और दरकार भी क्या है रात की? वहां थकान होगी, होगी है? थकान नहीं होती है तो रात भी नहीं होती है। और यहाँ यहाँ तो थकान होती है, तो आराम करने के लिए रात भी होती है। और जो कुछ श्रीमद के आचार विचार करते हैं तो बहुत विसर्जित करते हैं, इंद्र श्रीमद करेंगे तो रिश्ते ही जावेंगे। बाबा ने शुरू से माताओं को नीति रखा है। इस ठंड पॉइंट में लास्ट लाइन को पहले पॉइंट से क्या संबंध है? माताएं श्रीमत पर ज्यादा चलती हैं कि भाई लोग श्रीमत पर ज्यादा चलते हैं? इसलिए कहा वैराग कैसे आएगा? बार बार याद करो, एटम बम बन चुके हैं, दुनिया का विनाश होने वाला है, क्या वैराग आ जाएगा? ये दुनिया विनाश होने वाली है या रहने वाली है? विनाश होने वाली है, तो वैराग आएगा कि नहीं? इस दुनिया से विनाशी चीज से वैराग आता है कि अविनाशी चीज से वैराग आता है? विनाशी चीज से वैराग आएगा और अविनाशी चीज से राग पैदा होगा। शिव बाबा है अविनाशी, ड्रामा है अविनाशी, तो ड्रामा से प्यार पैदा होगा। ड्रामा कल्याणकारी है, शिव बाबा कल्याणकारी है, हमारा पार्ट भी कल्याणकारी है, इसलिए अपने पार्ट से भी प्यार पैदा होना चाहिए।
और शबरीमला हाँ मकर संक्रम के समय मकर ज्योति आकाश में आता है। मकर संक्रांति के समय मकर ज्योति मकर नक्षत्र आकाश में आता है। हाँ इसका रहस्य क्या है? देवी का नाम क्या बताया? शबरीमला। अयप्पा का मंदिर उसका नाम क्या रख दिया? शबरी। वो शबरी जिसके झूठे बैर खाए थे राम ने हैं? हाँ तो झूठे करने से अच्छी चीज हो गई या खराब चीज हो गई? हैं? झूठा करना अच्छी चीज है या खराब चीज है? खराब चीज हो गई। लेकिन उस खराब चीज को भी शबरीमला में मंदिर में मकर संक्रांति दिखाई गई है। अब दुनिया का सबसे मक्कार व्यक्ति कौन सा है और दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति कौन सा है? अरे कोई होगा कि नहीं होगा? कौन है? है शिव बाबा तो हमेशा अच्छा ही अच्छा है। जिसमें शिव है वो हमेशा अच्छा ही होगा या खराब होगा? है शिव जिसके अंदर है, शिव भगवान है ना। शिव कौन है? गॉड है ना। तो जिसके अंदर गॉड होगा वो अच्छा ही अच्छा होगा खराब होगा? अच्छा ही अच्छा। तो बुरा कौन है? दुनिया का सबसे बुरा आदमी अच्छे से अच्छा भी है, बुरे से बुरा भी है, काले से काला भी है और गोरे से गोरा भी है, वो कौन है? प्रजापिता। प्रजापिता जब तमो प्रधान बनता है तब महाकाला है, महाकाल। और जब गोरा है तो बहुत गोरा है। तो शबरी के झूठे बेर कौन से युग की बात है? कलयुग की बात है। उन झूठे बेरों को भी मंदिर में यादगार दिखाई है। क्या यादगार है दिखाई है? कि जब मकर संक्रांति होती है, मकार शंकर की अंति होती है, तो वो झूठे बेर भी क्या बन जाते हैं? अच्छे बन जाते हैं। क्यों? क्यों? बीज का ही अंत हो गया। जो बीज कालेपन का बीज बोने वाला है उसका ही अंत हो गया, तो झूठे बेरों का भी अंत हो गया। झूठे बेर भी स्वच्छ बन जाते हैं। कब की बात है? जब शिव बाबा प्रजापिता में प्रवेश करते हैं अंत में। और आदि में जो सेवक्रम था उसी अगले जन्म में त्यागवाली आत्मा के रूप में जन्म लेती, वो दोनों की आत्मा एक ही आत्मा है, उसको कैसे समझा ले और उसके लिए रेडी पॉइंट क्या हुआ ना हो? जन्म लेकर प्रजापिता बनते हैं राम की आत्मा। राम की आत्मा पहला वाला भी दोबारा आता है, वो कौन सा पॉइंट से समझा रहे मुरली में? राम फेल हुआ ना? नहीं, वो पॉइंट है ना मुरली पॉइंट। हाँ वो कौन सा मुरली पॉइंट चाहिए?
कि राम वाली आत्मा वो दोबारा जन्म लेकर आया। जो फेल होगा वो तो ज्ञान से टूट गया ना, जो फेल हो गया वो ज्ञान से टूटे बिना फेल हो गया कि टूटने के बाद फेल हुआ? ज्ञान से टूट गया या नहीं टूट गया? ज्ञान से टूट गया। और जो ज्ञान से टूट गया उस राम वाली आत्मा को कोई उठा पाएगा क्या? जो राम वाली आत्मा ज्ञान से टूट गई पिछले जन्म में, उसको कोई उठा सकता है? ज्ञान में दोबारा उठा सकता है? अगर उठा सकता है तो उठाने वाला पावरफुल हो गया या राम वाली आत्मा पावरफुल ही है? हाँ, उठाने वाली पावरफुल हो जाएगी, लेकिन राम वाली आत्मा से तो पावरफुल कोई है नहीं, इसलिए उसको शरीर छोड़ना लाजमी है। वो वाली आत्मा जब शरीर छोड़ देती है, दूसरा जन्म लेती है, तो उसमें शिव बाबा को ही प्रवेश करना पड़ता है। शिव सुप्रीम सोल जब तक प्रवेश न करे तब तक उसका उद्धार कोई नहीं कर सकता। इससे साबित होता है कि राम वाली आत्मा दोबारा जन्म लेकर के आती है। वो ही राम वाली आत्मा हो सकती है जिसके द्वारा शिव बाप ऐसा ज्ञान सुनाते हैं जो दुनिया में कोई मनुष्य नहीं सुना सकता। इससे साबित हो जाता है कि वो राम वाली आत्मा है, सृष्टि का बीज है, बीज का कभी नाश नहीं होता। और है हो गया ना, राम फेल हुआ, सबसे पहले राम फेल हुआ या दूसरी आत्माएं फेल हुई? राम फेल हुआ। जो आदि में सो अंत में आता है, और सब असुर ब्रह्मा को पूजा करते हैं, कोई कोई असुर शंकर को भी पूजा करते हैं, इसका? हाँ, क्योंकि शंकर खुद ब्रह्मा है या नहीं है? शंकर वाली आत्मा खुद ब्रह्मा बनती है कि नहीं बनती है? है? हाँ, तो देवता भी पूजा करते हैं और असुर भी पूजा करते हैं। इसे साबित होता है कि सारे विश्व का नाथ है, सबका बाप है या सिर्फ देवताओं का बाप है? है? सब का बाप है, विश्व पिता है। ब्रह्मा को विश्व पिता थोड़े ही कहेंगे, विष्णु को भी विश्व पिता नहीं कहेंगे। विष्णु के द्वारा देवताओं को ही सपोर्ट करते हैं कि देवताओं असुरों दोनों को सपोर्ट करते हैं? विष्णु के द्वारा है देवताओं को सपोर्ट करते हैं, तो वो देवों का बाप है। और शंकर भस्मासुर को भी सपोर्ट करता है, है? और बड़े बड़े देवताओं को भी सपोर्ट करता है। और बाबा आश्रय लोग जास्ती पूजा करते हैं, और किसकी पूजा करते हैं? ब्रह्मा की करते हैं, तो जैसे की पूजा करेंगे वैसी प्राप्ति होगी ना। किसकी पूजा करते हैं? ब्रह्मा की पूजा करते हैं।
और ब्रह्मा की आत्मा दुनिया का सबसे बड़ा गुरु है कि नहीं है? है? इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट से भी बड़ा गुरु कौन? ब्रह्मा। सबसे बड़ा देहदारी गुरु तो रावण कौन? ब्रह्मा ही रावण हो गया। जो बड़े से बड़ा रावण है उसकी पूजा करेंगे तो क्या बनेंगे? हैं? आसुरी शक्ति वाले बनेंगे। मुरली में भी बोला है देवी की पुजारी है रावण संप्रदाय। वास्तव में ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है। तो जगदम्बा देवी है कि देवता है? देवी है। देवी की जो पूजा करते हैं वो बड़े से बड़े असुर हैं। और सारा ज्ञान उल्टा हो गया कि नहीं? है जगदम्बा की सीधा है, जगदम्बा की सीधा है, जगदम्बा ही सीधा है, सीधा रामसीला आत्मायम प्रत्यक्ष हुआ किसी ने बात समझी? क्या कह रहे मैम? पूरा कह रही नहीं बाबा। फिर बाबा बोला, अरे फिर बाद में बताओ, पहले इतना तो बताओ क्या त्रेतायु की शूटिंग पीरियड? हाँ, त्रेतायु की शूटिंग पीरियड में तो बताया 1976 में क्या हुआ? त्रेतायु का शूटिंग पीरियड है ना बाबा, या उस त्रेतायु की शूटिंग पीरियड में राम सीता वाली आत्माएं यज्ञ में प्रत्यक्ष हुआ। राम सीता वाली आत्माएं यज्ञ में प्रत्यक्ष हुआ? यज्ञ में प्रत्यक्ष हुआ नहीं हुआ? यज्ञ में आया है ना बाबा? नहीं, सीता वाली आत्मा जगदम्बा है या लक्ष्मी है? यार मेरा कंफ्यूजन। सीता धरणी से पैदा होती है और धरणी में ही समा जाती है, इसलिए उसको भूदेवी कहा जाता है। भू माने पृथ्वी, पृथ्वी जड़ है या चैतन्य है? हाँ, जड़त्वमयी बुद्धि वाली जगदम्बा है, क्योंकि बाप के नजदीक रहती है सबसे जास्ती। क्या? बाप का जो पार्ट है उस पार्ट के सबसे जास्ती नजदीक रहने वाली आत्मा, और बाप को छोड़ जाती है तो जड़त्वमयी बुद्धि है या चैतन्य बुद्धि है? जड़त्वमयी बुद्धि है। धरणी जड़ होती है, तो धरणी कहो सीता कहो बात एक ही है। फिर एक मुस्लिम बाबा बोला है पार्वती कहो लक्ष्मी कहो पार्वती कहो लक्ष्मी कहो क्या कहो? लक्ष्मी? नहीं, तुम सब लक्ष्मियां हो कहीं का? किसी मुरली में ये कहा तुम सब लक्ष्मियां हो? पार्वती सब हो, सब पार्वती हो, सब द्रौपदी हो, तुम सब सीताएं हो जिनको रावण ले जाता है। लक्ष्मी को रावण ले जाता है क्या? और कंबिल के एक मंदिर में गुफा में शिवलिंग दिखा, कंबिल के एक मंदिर में। किसके मंदिर में? कंबिल कंबिल के मंदिर में
गुफा में, गुफा में व्यक्ति को गुफा में, वो तो सभी मंदिरों में शिवलिंग ही होता है, गुफा में, गुफा में शिवलिंग देखा। गुफा माने कंपिल में, कंपिल में कौन सा मंदिर है जो गुफा के अंदर है? हाँ, अमरनाथ में गुफा के अंदर शिवलिंग का मंदिर रखा हुआ है, शिवलिंग दिखाते हैं। जो बर्फ का लिंग है, गुफा माने गुप्त, उस गुप्त बात को गुप्त पुरुषार्थी ही पहचानेंगे या सब पहचानेंगे? गुप्त पुरुषार्थी है वो पहचानते हैं, जो अपने पुरुषार्थ को प्रत्यक्ष कर देते हैं, मान मर्तबा संसार का ले लेते हैं, वो नहीं पहचान पाते। और मुरली के पहले ओम शांति करने वाला शिव बाबा के या ब्रह्मा बाबा के? ओम आ उ म, ब्रह्मा विष्णु शंकर, तीनों का रचयिता कौन है? शिव। तो ओम हुआ कि नहीं? सभी आत्माएं ओम हैं, क्योंकि सभी आत्माएं स्थापना भी करती हैं, पालना भी करती हैं और दुर्गुणों का विनाश भी करती है। शिव बाबा भी यही करता है। क्या करता है? शंकर द्वारा विनाश करता है, विष्णु द्वारा और ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता है। तो वो भी ओम है और आत्माएं भी ओम है। ओम माने आत्मा। और कलयुग में देवी देवता को पूजा करते हैं, वो पूजा करने वाला और पूजी भी है और पूजा करने वाला भी है, वो दोनों द्वापर कलयुग में है, तो इसका हल किस कैसे मिलेगा? द्वापर युग में पूजी थोड़े ही है पूजे करने वाले? नहीं, वो वही है ना, सतयुग त्रेता में पूजे वही पूजा कर रहे हैं। हाँ, वो ही कहाँ है, शरीर तो दूसरा हो गया ना, तो शरीर पतित है या पावन है? कलयुग में तो द्वापर में, फिर जो पतित होते हैं वो पूजा करते हैं, जो पावन होते हैं वो पूजा नहीं करते। नहीं, वो फिर फल कैसे मिलेगा? शिव बाबा आके फल देता है ना संगम में, भक्ति का फल कौन देता है? हाँ, 63 जन्म भक्ति की, उन 63 जन्मों की भक्ति का फल शिव बाबा के देते हैं। सबसे छोटी ती छोटी पोता मिल क्या है, जो बाबा को लिखकर न देने से 100 गुना बोझा चढ़ता है? मनसा में कोई संकल्प आया बुरा गंदा, तो पाप बनता है? वाचा से पाप बनता है, कर्मेंद्रियों से पाप बनता है या मनसा से पाप बनता है? पाप कब बनता है? हैं? कर्मेंद्रियों से कर्म करने से पाप बनता है, वाचा से पाप बनता है, लेकिन मनसा से पाप तो नहीं बनता, पाप बनेगा नहीं,
लेकिन अगर मनसा में भी कोई बात बार बार आती है और बाबा को नहीं बताया तो बार बार आती रहेगी या खत्म हो जाएगी? आती रहेगी, इसलिए वो छोटे सा छोटा पाप है, क्योंकि नहीं बताई तो बार बार आते 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 वाचा में आ जाएगी, वाचा से कर्मणा में आ जाएगी, वो बड़ा पाप बना देगी। इसलिए गंदे गंदे संकल्प भी आते हैं, वो संकल्प भी बाबा को बता देना चाहिए। बाबा मैंने बीती हुई बातों को बिंदी लगाना है, लेकिन बीती हुई बातें बार बार आप संगत मन में माने तो बाबा को बताते रहो। हैं? हाँ। अच्छा संकल्प नहीं, अच्छा कर्म किया कोई नहीं मानते, लेकिन कोई बुरा कर्म पास में किया उस बार बार आता, बुरा कर्म किया बार बार आता है, तो बुरा कर्म जो किया है वो बार बार आता है तो पोता मेल हुआ कि नहीं? पोता मेल हुआ। हाँ तो बता दो। मैं बाबा को दे दिया। हाँ हाँ बताओ न। सीढ़ी के चित्र में हाँ वो कथा में तीन है ना, लक्ष्मण रेखा। हाँ क्योंकि राम ने नहीं खींची ना, वो रेखा राम ने नहीं खींची, वो रेखा लक्ष्मण वाली आत्मा उसने खींची। मुरली किसके द्वारा चलाई गई? मुरली ब्रह्मा के द्वारा चलाई गई ना, तो मुरली ही तो रेखा है। श्रीमत की रेखा कौन है? है मुरली ही श्रीमत की रेखा है, तो वो श्रीमत प्रजापिता वाली आत्मा के द्वारा पहले निकली या ब्रह्मा वाली आत्मा के द्वारा पहले निकली? ब्रह्मा के द्वारा निकली, तो ब्रह्मा की आत्मा ही लक्ष्मण है। इसलिए उसको लक्ष्मण रेखा कहा जाता है, राम रेखा नहीं कहा जाता। राम तो निराकार को कहा जाता है, राम बीज को कहा जाता है। बीज निराकार होता है कि वृक्ष निराकार होता है? बीज निराकार होता है। और एक त्रिमूर्ति तो दिखाया जाता है, उसमें वास्तव में पाना चाहिए ब्रह्मा विष्णु और ब्रह्मा विष्णु और शिव न कि चंद्र, ब्रह्मा विष्णु और शिव न कि चंद्र, उसमें ये पॉइंट में कैसे क्यों ब्रह्मा विष्णु और शिव होना चाहिए? है क्या शिव तो बिंदी है ना, बिंदी को दिखाने से कैसे बात हल होगी? है ब्रह्मा विष्णु साकार हो गए और शंकर को बिंदी दिखा देंगे तो शोभेगा या नहीं शोभेगा? है नहीं शोभेगा, इसलिए शंकर को दिखाया है। बाकी शंकर थोड़े ही विनाश कराते हैं,
विनाश कौन कराता है? हैं? हैं? विनाश कराता कौन है? अच्छा करता कौन है? हाँ, शक्तियां विनाशकारिणी हैं। वास्तव में तुम्हारी जगदम्बा ये ब्रह्मा है, तो जगदम्बा ही महाकाली का रूप धारण करती है, वो ही विनाश करती है और से बाप कराते हैं। असुर संगारिण कारिणी शिव शक्तियां हैं, शंकर शक्तियां हैं या शिव शक्तियां हैं? शिव शक्तियां हैं। चक्र घुमा वो चक्रवर्ती बना हुआ है, वो चक्र घुमाना कहते हैं। अपने पार्ट को डिक्लेयर करना, दूसरों के पार्ट को डिक्लेयर करना। आसुरों को कहें तुम देखो आसुर है क्या? ये विचार सागर मंथन से ये बात निकली कि तुम आसुर हो और ये देवताएं। पार्ट क्लियर हो गया ना? चक्र घुमावेंगे, ज्ञान का चक्र घुमावेंगे तो ज्ञान के चक्र घुमाने से पार्ट क्लियर होंगे ना? तो जब पार्ट क्लियर हो जाएंगे तो अपने आप ठंडे हो जा रहे हैं, हम तो असुर हैं, हमारा देवता ही पार्ट तो है ही नहीं, हम सतयुग में सक्रिय पार्ट बजावेंगे नहीं। देव आत्माएं हैं वो सक्रिय पार्ट बजावेंगी, जो शिव बाबा के बच्चे हैं, हम तो असुर हैं। और तिरुवाभरण घोष यात्रा शबरीमला टेम्पल मंदिर के तिरुवाभरण घोष यात्रा के समय आकाश में गरुड़ उड़ता है, गरुड़ क्या होता है? उड़ता है इसका क्या है? ऊपर क्या? ऊपर कौन सा पक्षी है? कैसा होता है? उड़ता है। हाँ उड़ता है, देखा किसी ने कि नीलकंठ उड़ता है? गरुड़ पक्षी उड़ता है या नीलकंठ उड़ता है? नीलकंठ नीले कंठे वाला जो कीड़े खाता है, कीड़े मकोड़े खाता है। गरुड़ तो कोई आज की दुनिया में पक्षी होता ही नहीं। नीले कंठ वाला पक्षी होता है, नीलकंठ शंकर को कहा जाता है। वो ही मकर शंकर वाली अंति वाली बात, मकर संक्रांति, वो ही ऊंची स्टेज में उड़ जाता है। और तुम्हारे का बेटा शिव बाबा को कितने बच्चे हैं? कोई चलते हैं 500 करोड़, कोई चलते हैं 1,50,000। क्या शंकर बच्चा नहीं है? क्या शंकर बच्चा नहीं है? तब शंकर किसका बच्चा है? बताओ किसका बच्चा है? शंकर शंकर किसका बच्चा है? हाँ ये भी गुंजाइश है कि शंकर भी बच्चा है। गुंजाइश माने मार्जिन है, ये भी मार्जिन है। क्या मार्जिन है? कि शंकर भी बच्चा है। किसका बच्चा है? शिव का बच्चा है। ब्रह्मा किसका बच्चा है?
ब्रह्मा का बाप कौन है? ब्रह्मा का बाप कौन? अरे यज्ञ के आदि में चले जाओ, प्रजापिता। प्रजापिता जिसमें शिव प्रवेश करता है वो ब्रह्मा का भी बाप हो गया। और शंकर का बाप कौन? शिव। बड़े बच्चे कोई बाप समान कहा जाता है? तो जो बड़ा बच्चा होता है वो ही बाप का कारोबार पहले संभालता है कि दूसरा संभालेगा? बड़ा बच्चा बाप का कारोबार संभालता है या छोटे बच्चे संभालते हैं पहले? बड़ा बच्चा संभालता है। और ये मंदिर के फ्लावरिंग के समय है, ये मंदिर के फ्लावरिंग के समय आकाश में उड़ जाते हैं। फिर गड़ोड़ा गरुड़ किसने देखा? गरुड़ नहीं होता है कुछ भी, परिंदा होता है। हाँ, वो नीलकंठ होता है। हाँ, नीलकंठ। नीला कंठ किसका होता है? हाँ, जो विष पीते पीते नीला पड़ गया कंठ, उसको कहते हैं नीलकंठ। हाँ, दुनिया में से जितने कीड़े मकोड़े हैं उन सबको खा जाता है। दुनिया में कीड़े मकोड़ों का अंत हो जाता है या बने रहते हैं? है? जो दुखदाई कीड़े मकोड़े हैं वो दुनिया से उनका अंत हो जाता है, विनाश होता है कि बने रहते हैं? अंत हो जाता है, तो नीलकंठ कहा जाता है। और ओम शांति। रावण से आती है भक्ति और राम से आता है ज्ञान। राम संप्रदाय वाले बच्चे भी हैं जो भक्ति को खलास कर देंगे। रावण संप्रदाय वाले बच्चे भी हैं जो संगम युग में बाप के आने पर भी भक्ति का फाउंडेशन डालते हैं। अभी संगम में भक्ति का भी फाउंडेशन पड़ रहा है और ज्ञान का भी फाउंडेशन पड़ रहा है। कोई रावण संप्रदाय के भांति साबित होने वाले हैं, कोई राम संप्रदाय के भांति साबित होने वाले हैं। चेहरे तैयार हो रहे हैं, कोई राक्षसी चेहरे तैयार हो जाएंगे, अखबारों में भी छप जाएंगे, कोई देवताई चेहरे तैयार हो जाएंगे। और हाँ, तो इसमें न समझ में आने वाली बात कौन सी है? हैं? वेद माने ब्रह्मा के मुख से बोली हुई वाणी। हाँ जी, शास्त्र नहीं, वेद पहली चीज है और शास्त्र बाद वाली चीज है। वेद में भी ज्ञान है,
शास्त्रों में भी ज्ञान है, उपनिषदों में भी ज्ञान है, परंतु वो मनुष्यों का बनाया हुआ ज्ञान है। भगवान ने जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान भी ऊपर से नीचे की ओर जाता है, और शास्त्रों का ज्ञान भी ऊपर से नीचे की ओर जाता है। दुनिया की हर चीज पहले सत्वप्रधान ऊपर की होती है और बाद में नीचे जाती है। ज्ञान जल है जो ऊपर से आता है नीचे की ओर जाता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। मुक्ति कहेंगे देह और देह के जो भी दुख दर्द हैं उनसे मुक्ति हो जाना, छुटकारा मिल जाना, देह के बंधन से भी छुटकारा मिल गया और देह के द्वारा जो दुख दर्द होते हैं बुढ़ापा आदि उनसे भी छुटकारा हो जाता है। सिर्फ आत्मा व्यक्ति है, आत्मा जब तक शरीर न धारण करे तब तक दुख भी नहीं भोग सकती, सुख भी नहीं भोग सकती। दुख और सुख दोनों से मुक्त है। जीवन मुक्ति कहा तब जाता है जब आत्मा जीवन धारण करती है, और जीवन इसी दुनिया में धारण किया जा सकता है, परंतु इस दुनिया में पहले है सुखधाम और बाद में बनता है दुखधाम। सुखधाम में जो आत्माएं आती हैं वो सत्वप्रधान शरीर लेती हैं, इसलिए सुखी बनती हैं, दुख नहीं भोग सकती। वो सुखधाम ही जब दुखधाम बन जाता है तो परमधाम से जो भी आत्मा नीचे उतरती है वो पहले जन्म में सुखी रहती है, बाकी के जन्म में दुखी दुख भोगती है। तो उसे जीवन मुक्ति नहीं कहा जा सकता। अभी संगम युग में हम मुक्ति का भी अनुभव कर सकते हैं और जीवन मुक्ति का भी अनुभव कर सकते हैं। शरीर रहते रहते मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों का आनंद ले सकते हैं। जो बोला है तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि में उतार लेंगे, तो ऐसे भी बच्चों का संगठन होगा। जो शरीर रहते रहते मुक्ति का अनुभव करेंगे, दुख में दुख नहीं अनुभव करेंगे और सुख में सुखी नहीं होंगे। जबकि दूसरी ओर विजयमाला की वो आत्माएं भी होंगी जो शरीर रहते रहते सुख अनुभव करेंगी इस दुनिया में, दुख अनुभव नहीं करेंगी। केरल राज्य में हमेशा लिंग अनुपात ज्यादा क्यों होता है? केरल राज्य में हमेशा लिंग अनुपात ज्यादा क्यों होता है? लिंग अनुपात अनुपात लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या ज्यादा, लड़कियों का जन्म ज्यादा होता है, संख्या ज्यादा
लड़कों का जन्म ज्यादा होता है, जनगणना होती है, जाता है। पुरुषों की संख्या ज्यादा होती है, पुरुषों की संख्या कम ज्यादा होती है, वहाँ सबसे ज्यादा होती है, पुरुषों की संख्या कम होती है, केरल राज्य में, और वो सबसे ज्यादा भारत का शिक्षित राज्य है। सबसे जास्ती बरसात कहाँ होती है? दक्षिण भारत केरला में होती है या उत्तर भारत में होती है? और जो ज्ञान बरसात है, उस ज्ञान बरसात की धारणा कन्याएं माताएं ज्यादा करती हैं या पुरुष जास्ती करते हैं? है कन्याएं माताएं जास्ती, इसलिए केरला में जनगणना की जाती है तो कन्याओं माताओं की संख्या जास्ती है। ओम शांति।